नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार सैनी जैस फॉर आर गार्डन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम अपने अडेनियम के प्लांट को कैसे सही रख सकते हैं, ख़राब होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, ये मेरा एक अडेनियम का प्लांट है जो ये ख़राब हो चुका है। ये देखिए, दोस्तों ये किस वजह से हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, मैं कहीं बाहर गया हुआ था, कहीं शादी में 2-3 दिन के लिए, और मैंने सभी प्लांट अपने छत पर रख रखे थे। और दोस्तों, बारिश आने की वजह से इसमें ओवर वाटरिंग हो गई। ओवर वाटरिंग की वजह से ये देखिए ख़राब हो गया है। देखिए, दोस्तों जब मैं शादी से वापस आया तो मैंने देखा कि मेरा अडेनियम ख़राब हो गया है, इसलिए मैंने सोचा मैं इस पे ही वीडियो बना दूँ एक, और अपने सभी व्यूअर्स को बता दूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, आप अपने अडेनियम में ज़्यादा वाटरिंग ना करें। अडेनियम का जो प्लांट होता है उसमें वाटरिंग, ज़्यादा वाटरिंग करने से ख़राब हो जाता है। ये देखिए, काफ़ी बुरी हालत हो गई है इसकी, ये समझो कि ये मर गया है। तो दोस्तों, इसमें जो हम वाटरिंग करते हैं वो बिल्कुल कम करें, और इसे जैसे बारिश बुरिश से बचाएं। वाटरिंग, इसमें जो वाटरिंग होती है वो बिल्कुल ही कम करनी होती है, जैसे कि 10 दिन में, 15 दिन में एक बार। सर्दियों के टाइम में तो ये लगभग महीना महीना नहीं करते तो अच्छा होता है। मैंने इसमें नहीं की थी, लेकिन क्या करें, बरसात की वजह से ये ख़राब हो गया और मैं यहाँ था भी नहीं। दोस्तों, अगर थोड़ा बहुत आपका, अगर ओवर वाटरिंग की वजह से थोड़ा बहुत जैसे कि होता है ख़राब आपका अडेनियम, तो प्लीज़ उसमें पानी ना डालें और उसको धूप में रख दें। बिल्कुल पानी ना डालें उसे, 4-5 दिन के लिए उसे धूप में रख दें, तो हो सकता है कुछ ठीक हो जाएगा वो। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, इसकी ज़्यादा ख़राब हो गया है, ये समझो कि मर गया है, इसलिए ये सही भी नहीं होगा। बाकी मैं इसको फिर भी धूप में रखता हूँ, हो सकता है कुछ बच रहा हो तो हो जाएगा सही, बाकी चांस बहुत ही कम है। तो थैंक यू दोस्तों, सेव योर अडेनियम प्लांट। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।